Dear students, welcome to the second video on relations. इस वीडियो में मैं relations पर बाकी जितने भी important points हैं, important concepts हैं, वो सब discuss करूँगी. relations पर ये जो first video मैंने बनाई थी, इस पर मैंने आपको relation का basic concept explain करा था कि relation होता क्या है, उसके elements किस form के होते हैं. उसके elements होते हैं बेटा pair form में, है ना, a कॉमा b form के होते हैं. और रिलेशन में एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन की हेल्प से हम लोग अपने ऑर्डर्ड पेयर्स फाइंड करते हैं कि कौन कौन से पेयर्स रिलेशन में आएंगे. सो हमने पूरा मेथड आपको बेटा एक्सप्लेन करा था कि आप किस तरीके से रिलेशन, अगर क्वेश्चन गिवन है तो आप उस कंडीशन को यूज़ करके आप रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे. ओके, सो अगर आपने ये फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है रिलेशंस पर, तो बेटा ये मस्ट है, आप इसे ज़रूर देखिए. इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. ओके, फर्स्ट वॉच द फर्स्ट लेक्चर एंड देन वॉच दिस वीडियो. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो आज मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको ये अगर सेट ए सेट बी गिवन है, रिलेशन की पूरी हमें कंडीशन गिवन है, तो हम रिलेशन फाइंड कर लेंगे. यही सेम क्वेश्चन, यही एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करा. टुडे आप लोग सीख जाएंगे कि इमेज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, व्हाट इज को डोमेन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग एरो डायग्राम ऑफ अ रिलेशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन. व्हाट इज इमेज? सो व्हाट इज एन इमेज? इन एन ऑर्डर्ड पेयर the second element is called the image of the first element. What is this? एक ordered pair में जो second element होता है उसे हम image कहते हैं first element की. समझ में आया कुछ बेटा? देखिए relation के अंदर जो हमारे elements होते हैं वो किस form के होते हैं? Pair form के होते हैं. और इन pairs को हम बेटा ordered pair कहते हैं. क्या कहते हैं? Ordered pair. ऑर्डर्ड का मीनिंग होता है बेटा यहाँ पर कि इनका ऑर्डर मैटर करता है. 3.5 जो है इसका ऑर्डर यही रहेगा, हम इसे इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं, हम इसे 5.3 नहीं कर सकते हैं. ओके, तो इसलिए ऐसे पेयर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर. कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट की अपनी ही पोजीशन पे रहेगा और सेकेंड एलिमेंट अपनी ही पोजीशन पे रहेगा. 3.5 और 5.3 सेम चीज़ें नहीं है, वो लोग डिफरेंट हो जाएंगी. तो इसे हम लोग कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर. तो एक ऑर्डर्ड पेयर में सेकेंड एलिमेंट को कहा जाता है इमेज फर्स्ट एलिमेंट की. ओके, तो हम लोग अपने इस रिलेशन के दोनों पेयर्स में क्या फाइंड कर सकते हैं? इमेज. तो देखिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, 3.5 पेयर में 5 जो है वो इमेज है 3 की, इजंट इट? 5 इज द इमेज ऑफ 3. एंड इन 4.6 व्हाट वी कैन से? वी कैन से दैट 6 इज द इमेज ऑफ 4. ओके, जो सेकेंड एलिमेंट है वो इमेज होता है फर्स्ट एलिमेंट की. सो दिस इज सो सिंपल. नाउ व्हाट वी कैन राइट ओवर हियर, ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड इन 3.5 इज द इमेज ऑफ 3. ओके, सो अब आपको इमेज का मीनिंग क्लियरली समझ में आ गया होगा. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू डोमेन. सो द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर. व्हाट इज दिस? कि एक रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को, फर्स्ट एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम कहते हैं डोमेन ऑफ दिस रिलेशन. ओके, तो इस रिलेशन की डोमेन क्या हो जाएगी? जितने भी ऑर्डर पेयर्स आए हैं उनके फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट्स को लेकर एक सेट बना देंगे, उसे कहेंगे डोमेन ऑफ आर. तो आर के अंदर ये ऑर्डर पेयर्स हैं और इन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं? इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 3, इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है 4. तो 3 और 4 का सेट, तो हमने एक सेट बना लिया जिसमें कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 3 है और 4 है. तो 3.4
This is the domain of R. I hope you got the point. अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से सुनिए. And you will definitely understand it this time. Okay? I repeat once again. एक रिलेशन में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स के कलेक्शन को, फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को कहते हैं हम लोग डोमेन ऑफ दिस रिलेशन आर. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज रेंज? आई एम गिविंग यू द हिंट दैट रेंज इज द रेसिप्रोकल ऑफ डोमेन. Pause the video and firstly think yourself that what will be the range now. So, the set of the second elements of all the ordered pairs in a relation is called the range of R. तो range में कौन से elements आएंगे? Relation के जितने भी ordered pairs हैं उन ordered pairs के second element के collection को, second element जो आए हैं उनके सेट को कहते हैं हम लोग रेंज ऑफ आर. तो ये हमारा रिलेशन है, इसमें ये टू ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं 3.5 एंड 4.6. तो इन पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं मतलब कि 5 और 6, तो 5.6 का जो सेट बना इसे कहते हैं हम लोग रेंज ऑफ दिस रिलेशन आर. सो व्हाट विल बी द रेंज ऑफ दिस रिलेशन? 5.6. दिस इज द रेंज ऑफ आर. तो बहुत ही सिंपल है, जो भी रिलेशन हमारे पास है अगर हमें उसकी डोमेन फाइंड करनी है तो सिंपली क्या है, पहले हम लोग रिलेशन फाइंड करें, रिलेशन के अंदर कौन कौन से पेयर्स आएंगे और उसके बाद उन पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को हम लोग कह देंगे डोमेन ऑफ आर और सेकंड एलिमेंट्स के सेट को कह देंगे रेंज ऑफ आर. नाउ नेक्स्ट इज कोडोमेन. सो व्हाट इज कोडोमेन? द होल सेट बी is called the codomain of the relation R. ये क्या हुआ? देखिए, relation हमने आपको बताया था बेटा two sets के बीच में होता है. So ये relation set A से set B तक था. तो first set कौन सा था? A. और second set कौन सा है? B. तो जो second set होता है बेटा, इस पूरे set को हम लोग कहते हैं codomain of R. अच्छे से ध्यान से सुनिए, है ना? सेकेंड सेट को, पूरे दूसरे सेट को हम लोग क्या कहेंगे? कोडोमेन ऑफ आर, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर. कोई भी रिलेशन हो वो दो सेट्स के बीच में होगा, तो जो सेकेंड सेट होगा उसे हम लोग कहते हैं कोडोमेन ऑफ दैट रिलेशन. सो इस रिलेशन का कोडोमेन कौन है? सेट बी. और सेट बी क्या है? 5.6. तो 5.6 इज द कोडोमेन. ऑफ आर. नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, आप ये ध्यान दिए बेटा कि डोमेन में कौन से सेट के एलिमेंट आ रहे हैं, रेंज में कौन से सेट के एलिमेंट्स आ रहे हैं. देखिए, डोमेन में बेटा हम लोग क्या लेते हैं? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं रिलेशन में उनके फर्स्ट एलिमेंट्स लेते हैं, है ना? फर्स्ट एलिमेंट्स लेते हैं. तो देखिए, रिलेशन में हमारे जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं, देखिए ए कॉमा बी फॉर्म का होगा हमारा रिलेशन, जिसमें कि जो पहला एलिमेंट ए होगा वो हमेशा पहले सेट को बिलोंग करेगा, है ना? तो यहाँ पर क्या बात हुई कि जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो हमारे कौन से सेट के होते हैं? फर्स्ट सेट के होते हैं. रिलेशन था ए से बी तक, तो जो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं हर ऑर्डर्ड पेयर के वो पहले वाले सेट के होते हैं. तो जो डोमेन के अंदर एलिमेंट्स आते हैं बेटा वो कौन से सेट के होते हैं? पहले वाले सेट के. देखिए, इस रिलेशन की डोमेन आई 3.4, तो देखिए 3 और 4 कौन से सेट के एलिमेंट हैं? सेट ए के एलिमेंट्स हैं. ओके, तो ये बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोमेन के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स आते हैं बेटा वो सेट ए के आते हैं, मतलब कि फर्स्ट सेट के आते हैं. और रेंज के अंदर बेटा, क्योंकि हम लोग सेकेंड एलिमेंट्स का पूरा कलेक्शन होता है हमारा रेंज, तो सेकेंड एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे सेकेंड सेट को बिलोंग करते हैं. तो रेंज के अंदर देखिए एलिमेंट्स आए 5 और 6, और 5 और 6 किसके एलिमेंट्स हैं? सेट बी के हैं. तो रेंज के अंदर बेटा हमेशा सेकेंड सेट के एलिमेंट्स आएंगे और डोमेन के अंदर हमेशा फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स आएंगे.
तो अभी जो मैंने बात बताई बेटा, उसके बेसिस पे क्या हम ये टू पॉइंट्स लिख सकते हैं? मैंने क्या लिखा है, डोमेन इज सबसेट ऑफ सेट ए। ये सिंबल होता है बेटा सबसेट का। सबसेट का मीनिंग क्या होता है कि ये पूरा का पूरा इसके अंदर आएगा, है ना। क्या मतलब होता है सबसेट का, ये पूरा का पूरा इसके अंदर आएगा। तो देखिए डोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो किसके होते हैं, सेट ए के होते हैं। जितने भी एलिमेंट्स होंगे डोमेन में वो सब किसके अंदर होंगे, सेट ए के अंदर होंगे ही होंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे कि पूरा का पूरा जो डोमेन होता है वो सेट ए के अंदर होता है, तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सबसेट कहते हैं। तो डोमेन जो होता है बेटा, डोमेन वो सेट ए का सबसेट होता है। और इसी तरीके से जो रेंज होता है बेटा, अभी मैंने हम लोगों ने पढ़ा कि रेंज के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो किसके होंगे, सेट बी के होंगे। जो भी एलिमेंट्स रेंज में आएंगे वो सब किस में आएंगे, सेट बी में आएंगे। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो रेंज है वो पूरा का पूरा किसके अंदर आता है, सेट बी के अंदर आता है। तो रेंज इज द सबसेट ऑफ सेट बी। और अभी ही हम लोगों ने पढ़ा था कि सेट बी को हम लोग कोडोमेन भी कहते हैं, है ना। सेट बी को हम लोग कहते हैं कोडोमेन। तो इसी की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं कि रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। कोडोमेन कुछ नहीं है, बिल्कुल कंफ्यूज ना होइए। कोडोमेन क्या है, सिंपली सेट बी है। तो रेंज के जो भी एलिमेंट होंगे वो सब सेट बी के होंगे ही होंगे, और डोमेन के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सेट ए के होंगे। तो बेटा ये जो सिंबल मैंने बनाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्म में भी आप पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ओके, इट कैन बी MCQs और इट कैन बी फिलअप्स टाइप, इट कैन बी एनीथिंग। और इसके नीचे जो लाइन ड्रॉ होती है इसका मीनिंग होता है इक्वल। ओके, तो डोमेन सेट ए के सबसेट भी हो सकता है और डोमेन कभी कभी पूरा का पूरा सेट ए भी होता है। तो इसका मीनिंग होता है सबसेट और इसका मीनिंग होता है बेटा इक्वल। इसी तरीके से रेंज भी सेट बी का जो है सबसेट हो सकता है या फिर पूरा का पूरा सेट बी के इक्वल भी हो सकता है, जैसे कि हमारे इस रिलेशन में है। देखिए रेंज क्या है, 5.6, और सेट बी भी क्या है, 5.6। तो इस केस में जो हमारी रेंज है वो इक्वल है सेट बी के। सो इसे हम लोग अब कैसे रीड करेंगे, रेंज इज अ सबसेट और इक्वल टू सेट बी, ऐसे होता है। ओके, और वी कैन से डोमेन इज द सबसेट और इक्वल टू सेट ए। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज द एरो डायग्राम ऑफ अ रिलेशन। सो एरो डायग्राम में सबसे पहले हम लोग टू सेट्स ड्रॉ करते हैं। ओके, रिलेशन हमारा टू सेट्स के बीच में होता है ना। सो ये हमारा रिलेशन अपना पूरा ड्रॉ करेंगे एरो डायग्राम में। सो ये है सेट ए से सेट बी के बीच में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, सेट ए और सेट बी को ड्रॉ कर लेंगे लाइक दिस। ओके, दिस वी हैव ड्रॉन सेट ए एंड दिस इज सेट बी। नाउ नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, जो भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स रिलेशन के अंदर आ रहे हैं हमें उन्हें शो करना है इस डायग्राम में, है ना। ये हम रिलेशन को शो कर रहे हैं तो हमें रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे हैं उन्हें हमें इस डायग्राम में सिंपली शो करना है। तो हमें क्या पता है, देखिए 3 इज रिलेटेड टू 5, 3 और 5 आपस में रिलेटेड है ना इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और 4 और 6 रिलेटेड है। तो हम लोग इन दोनों को लिंक करा देंगे। सो 3 को हम 5 से, 5 कौन है 3 की, 3 की इमेज। तो हम क्या कहते हैं बेटा कि एरो डायग्राम में एलिमेंट्स को हम उनकी इमेजेस से लिंक कर देते हैं। सो 3.5 है हमारा ऑर्डर्ड पेयर, तो 3 की इमेज क्या है बेटा, 5। तो लाइक दिस वी लिंक द एलिमेंट एंड इट्स इमेज। सिमिलरली जो दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है वो है 4.6, सो 4.6 को भी हम लिंक कर देंगे। ओके, एंड वी विल शो एन एरो। सो दिस इज द सिंपल एरो डायग्राम ऑफ अ रिलेशन। तो अब एक चीज हमें यहाँ से पता चल रही है बेटा कि अगर हमें एरो डायग्राम भी गिवन है तो वहां से भी हम अपने रिलेशन को लिख सकते हैं, है ना।
सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए 3 and 5 आर रिलेटेड, इट मीन्स दैट 3, 5 इज द ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर एंड 4, 6 इज द सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर. सो वॉट इज द रिलेशन? द रिलेशन इज 3, 5 एंड 4, 6. तो बिल्कुल भी इसमें कुछ भी डिफ़िकल्टी नहीं थी या फिर कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं था, सेम था. हमने अपने रिलेशन को इस मेथड से एरो डायग्राम के थ्रू भी विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टेकिंग अप रिलेशन ऑन अ सेट ए, मतलब कि एक ही सेट से स्टार्ट हुआ रिलेशन और उसी सेट के किसी दूसरे एलिमेंट से जाके लिंक हो गया. मतलब कि जैसे यहाँ पे हमने रिलेशन पढ़ा है दो अलग अलग सेट्स के बीच में अभी तक, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, लेकिन रिलेशन होता है सेम सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में भी, है ना, सेम सेट्स के एलिमेंट्स के बीच में भी रिलेशन होता है. तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिलेशन ऑन अ सेट ए तो इसका मीनिंग क्या होगा, या फिर रिलेशन इन अ सेट ए इसका मीनिंग होगा कि उसी सेट ए के एलिमेंट्स आपस में क्या हैं, रिलेटेड हैं. उसे हम डिनोट करेंगे R A to A. Okay, so till we meet again in the next video, take care, have a bright future.